नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पत्ता गोभी या बंद गोभी के चाइनीज़ पकौड़े बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। हमने आधा किलो पत्ता गोभी ले रखा है तो इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। ये कद्दूकस करने वाला एकदम बारीक है, आप चाहें तो इसको मिक्सर में थोड़ा मोटा मोटा पीस सकते हैं। हमने एक पाव मैदा ले रखा है, हम इसको 200 ग्राम के लगभग डालेंगे और कम से कम 50 ग्राम कॉर्न फ्लोर डालेंगे। तो चलिए इसको छलनी से छान लेते हैं। हम इसमें 5-6 चम्मच कॉर्न फ्लोर मिला लेते हैं। इसमें हम 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मिला लेते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च हम कलर के लिए मिला रहे हैं, अगर आपको कलर मिलाना हो तो वो भी मिला लीजिए। ये हम आधा चम्मच काली मिर्च मिला रहे हैं। हम 1.5 चम्मच अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट मिला रहे हैं। हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला रहे हैं, आधा चम्मच से कम ही लिए हैं। हम इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो या जिसको चाइनीज नमक बोलते हैं मिला रहे हैं, एक चुटकी के लगभग है। अब हम इसको अच्छे से इसी में मिलाकर अच्छे से गूंथ लेंगे। इसमें अलग से पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसको हम गूंथ लेते हैं। इसमें मैदा और कम लग रहा है तो हम थोड़ा और मैदा डाल ले रहे हैं। अब हमने इसको गूंथ लिया है, इसको साइड में रखते हैं और गैस पर तेल गरम कर लेते हैं। तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इसमें हम छोटे छोटे बॉल्स बनाकर डाल लेंगे और इसको हम मीडियम आंच पर ही तलेंगे। ज़्यादा तेज आंच पे तलेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। अब हमने चाइनीज़ पकौड़े के बॉल्स बनाकर तेल में डाल लिए हैं। अब इसको 1 या 2 मिनट तक ऐसे ही रहने देते हैं, फिर इसको हम पलट लेंगे। इसको हम पलट लेते हैं और इसको हम करछी के मदद से हिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे और इसको चला चला कर अच्छे से भूरा होने तक या हल्का लाल होने तक तलेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। हम इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे और देखिए अब ये पक चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको पकने में 7-8 मिनट का समय लगता है, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये गर्मा गर्म चाइनीज़ पकौड़े बनकर तैयार हैं, तो इसको आप गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए।